एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। पूरे विश्व में भले ही किसान आंदोलन चल रहे हो, कई महीने बीत गए हैं, लेकिन इस सब के बीच बिहार में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रहा है, जहां कृषि विभाग की तरफ से बिहार उद्यान महोत्सव एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत आपको पूरी गाँव की जो लुक है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि दो बैल के ऊपर एक जो आप कह सकते हैं कि बैलगाड़ी, जो पहले के लोग जो इससे सवारी किया करते थे, इससे व्यापार किया करते थे, तो वही लुक यहाँ पे दिया गया है। और एक तरह से कहा जाए तो किसानों के हित के लिए है। आप यहाँ पे अगर आप लोग इच्छुक हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, इसका लुफ्त भी उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैलगाड़ी में गोभी, टमाटर, पत्ता गोभी, हर एक जो हरी सब्जियां हैं वो इसमें रखा गया है, और कैसे आत्मनिर्भर बिहार बने इसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप सभी आकर यहाँ पे इसका लुफ्त उठा सकते हैं और सीख सकते हैं, आपके जो आपके पास जो भी बात हो यहाँ पे रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कई तरह के आप लोग के लिए जो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित के लिए ये है कि कैसे जो है वो बिहार को आगे बढ़ाया जाए। किसान आए दिन जो है वो मार्च कर रहे हैं भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी अब उनके लिए कदम आगे बढ़ा रही है और किसानों के हित के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, और यह कार्यक्रम कई दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पे एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहाँ बसंत का महीना है और यहाँ पे हर तरह की सब्जी से लेकर के फूल भी हैं, फल भी हैं, हर तरह के यहाँ पे हैं। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ गांव का लुक यहाँ पे दिया गया है, तो किस तरह से जो टमाटर हैं, हरी सब्जियों को किस प्रकार से आप उपजा सकते हैं, किस प्रकार से व्यापार कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब हम कुछ लोग से जानते हैं, सर यहाँ जो ये जो फल फ्रूट्स जो यहाँ पे आप लोग रखे हुए हैं, इसका क्या कुछ है, आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं सत्यप्रिया सिंह, वैज्ञानिक, कीट विज्ञान। और हमारा जो स्टॉल लगा हुआ है ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जो हमारा हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, और हमारा रीजनल सेंटर सेंट्रल हॉर्टिकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन, हम भुवनेश्वर से आए हैं। ये जो दिखा गया है सब शो केस डिस्प्ले किया गया है, जो हमारा इम्प्रूव वेराइटीज है, प्रोडक्शन विथ प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी सब दिया गया है। जैसे आप एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं टमाटो, यहाँ पर अर्का अभेद, अर्का अपेक्षा, अर्का रक्षक लगा गया है। तो इसका ये खासियत है, हमारा जो विल्ट होता है टमाटर में, ये एक मेजर इशूज है फार्मर्स के लिए। तो ये जो तीनों वेराइटी, चार वेराइटीज है, ये उनका रेजिस्टेंट क्षमता रखता है। तो और एक खासियत उसका ये है कि जैसे कि अर्का अभेद या अर्का अपेक्षा आप लेंगे, उसका एक एक प्लांट में आपको 15 से 20 25 किलो तक फ्रूट्स मिलेगा, और उसका जो क्लस्टर होता है ना प्लांट के साथ लगता है, अगर आप इसको जोर से पकड़ के इसे हिला देंगे तो उसका फ्रूट्स अपने आप नीचे गिर जाएगा। तो उसमें आपका लेबर भी सेव हो जाएगा और मैन पावर सेव हो जाएगा, और इसका प्रोडक्शन आज कंपेयर टू जो हमारा फार्मर्स लोग करते हैं उसे बहुत ज़्यादा है। ये टमाटर का एग्जांपल है, ये सपोटा कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, आमला का भी है, और ये बेल आप देख रहे हैं NB7, उसका जो साइज है बहुत बड़ा होता है। और एक खासियत हमारा है, हमारा भुवनेश्वर सेंटर से विकसित किया गया है अर्का नीलाचल कुंकी, जो आप बोथ पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसका सलाड पर्पज़ भी कर सकते हैं, विथ करी पर्पज़ में भी यूज कर सकते हैं। और इसका फ्रूट्स जो होता है बहुत कम टाइम में देता है, उसका लती से आप प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन कर सकते हैं। और एक बात आप देखेंगे, जो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में हमारा जितना भी फ्रूट्स है, जैसे मैंगो हो गया, गुआबा हो गया, तो उसमें फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी लगता है, ये एक मेजर इशूज है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा भुवनेश्वर सेंटर से एक विकसित किया गया है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। उसमें ये होता है, तीनों पदार्थ होता है, जैसे कि मिथाइल यूजिनल है, इथानल है, विथ सम केमिकल्स लाइक मालाथियन और DDVP, अप्रोक्सीट मिक्सचर में अगर आप उसको वो लियोर में लगाएंगे तो जो फल मक्सी होता है उसमें अट्रैक्ट होकर गिर जाएगा, तो आपका मेन जो फ्रूट्स होता है वो मतलब वहाँ से बच जाएगा। इसके अलावा हमारा कुछ मतलब किसान कम लागत में इसको ज़्यादा उपजाऊ बना सकते। यस, क्योंकि ये एक मेजर इशू जी हमारा जितना भी फ्रूट क्रॉप्स है, तो इसलिए फ्रूट वहाँ से मतलब रक्षा करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है, एंड ऑल्सो इट इज़ फिजिबल टू द ह्यूमन। जो गांव में किसान है या फिर शहर के आसपास में जो किसान है, क्या वो यहाँ पे आएंगे तो इन सब चीज़ को बारे में उनकी जानकारी? डेफिनेटली, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की जैसा माना जाएगा, क्योंकि ये सब जो टेक्नोलॉजी है फार्मर्स लोग को पता नहीं होगा, और हम इतना दूर से आए हैं तो उसका जितना हमारे संभव होता है कैरी करने के लिए वो सब रखा गया है। उसके बाद जो अच्छा वाला टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, उसको हमने पोस्टर या बैनर के द्वारा आपको दिखा गया है। आत्मनिर्भर बिहार इससे यस यस यस
बिहार आत्मनिर्भर हो सकता है। कहने का मतलब यही था कि जो किसान खेत में अभी जितनी लागत लगा करके उपजा रहे हैं उससे कई बेहतर इन सब चीज़ों को आकर के समझ सकते हैं, अगर इनकी जानकारी ले सकते हैं तो किसान कम लागत में कम समय में उतना वो अपने उपजा सकते हैं और मार्केट में अपना जो है वो इनकम जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये सरकार के तरफ से एक पहल की गई है और किसानों को जागरूक किया जा रहा है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर है जहाँ पे उद्योग महोत्सव यहाँ पे लगाया गया है। भाई साहब ये कितने से कितने दिनों तक का चलेगा? ये तो जो बिहार का प्रोग्राम है 26 to 28 February तक है, 3 दिन का प्रोग्राम है। आज सेकेंड डे है तो आज जो है मतलब वो शेड्यूल दिया गया है कि क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है बस। और स्टॉल वगैरह लगा हुआ है सबका, स्टेट डिपार्टमेंट ICR उनका जो प्रोग्राम है, जो इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है सब डिस्प्ले की तरह यहाँ पे रखा गया है तो फार्मर्स लोग उससे उपलब्ध कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हर तरीके का सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी ही यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे किस तरीके का आइटम लेकर आए हैं, राष्ट्रीय लीची योजना के मुजफ्फरपुर से आए हैं। लीची पे जो आरोप लगाया जाता है कि इसको करने से ऐसे भी ऐसे होता है ऐसे होता है, तो क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि किस तरीके से किसान को और आप आगे भारी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। लीची अनुदान केंद्र से मुजफ्फरपुर से आए हैं बिहार से, किसान कम समय कम लागत में कैसे इसको उपजाऊ बनाएगा, कैसे इससे मतलब है जो व्यापार कर पाएगा? सर हमारे देंगे आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये यहाँ पे लोग जो है स्टॉल लगाए हुए हैं और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सब्जियों को सजा कर रखा गया है। भाई साहब थोड़ा सा आप तो देख सकते हैं कि गोभी है, आलू है, प्याज है, ये तो नॉर्मल चीज है, इसको कैसे आप किसान को और भी ज्यादा समझाने का कोशिश करेंगे, कैसे क्या पूछे करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो कुल मिलाकर के कहा जाए तो 3 दिवसीय यहाँ पे एक तरह से स्टॉल लगाया गया है जो किसानों के लिए सिर्फ है और आत्मनिर्भर बिहार बनाने की कोशिश की जा रही है। हर जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और किसानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। सरकार एक की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से लोग जो नए नए एक यहाँ पे जिस प्रकार से साग सब्जियों को लेकर के आए हैं वो कितना कारगर होता है, किसान इससे कितना लाभ उठा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहे निश्वर निशन, धन्यवाद।